शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले दौलामेटी के हिलटॉप कॉलोनी में चौथे मंजिल से गिरने से एक बच्चे की मौत होने से हड़कंप मच गया है। वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले दौलामेटी के हिलटॉप कॉलोनी चिंतामणि टावर में चौथे मंजिल से गिरने से एक बच्चे की मौत होने से हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दौलामेटी हिलटॉप कॉलोनी निवासी सूरज सलामी का 1.25 साल का बेटा वेद की मृत्यु हुई है। सुरेश सलामे BSF मेघालय बॉर्डर पर कार्यरत है। शुक्रवार को उनके घर पर यह हादसा हुआ। सुरेश की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ हिलटॉप कॉलोनी में रहती है। रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे अपने बच्चों को चौथी मंजिल के गैलरी पर खाना खिला रही थी। बच्चों को स्टूल पर बिठाया गया था, हमेशा वहीं पर सुबह बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन शुक्रवार को बच्चे का नियंत्रण अचानक छूट गया। वो बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिरा। बच्चे को गिरते देख माँ मेघा के होश उड़ गए। वो जमकर चिल्लाई। मेघा के चिल्लाने की आवाज आते ही पड़ोसी दौड़ने लगे। वो बच्चों को उठाकर तुरंत नागपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। तब बच्चे की सांस चल रही थी। अस्पताल में तुरंत बच्चों को ICU में ले जाया गया, लेकिन आधे घंटे में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी धंतोली पुलिस को दी गई। मामला वाड़ी पुलिस का होने से धंतोली पुलिस ने वाड़ी पुलिस को सूचित किया। वेद के परिवार के लोग भी वाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वेद के पिता BSF में मेघालय बॉर्डर पर कार्यरत है, उन्हें भी यह घटना की जानकारी दी गई है। इस हृदय द्रावक घटना से मां के आंसू थम नहीं रहे। गैलरी में हमेशा की तरह रहना महंगा पड़ा। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों ने बच्चों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। वाड़ी पुलिस स्टेशन के APR रेखा संगपाल आगे की कार्रवाई कर रही है। आज हिलटॉप कॉलोनी मध्ये चिंतामणि टावर्स येथे श्री सुरेश जी सलामी माझे मित्र यांचा मुलगा 1.25 वर्षाचा असून तो चौथ्या मजल्यावरून त्यांची आई नित्य रोजाप्रमाणे त्याला जेवण चारत असते। आज पण ते जेवण चारत असताना त्यांच्या हातून निघाला की कसं झालं हे तर आम्हाला अजून कळलेलं नसून ही जी घटना झाली ही खूप दुःखद आहे। असं व्हायला पाहिजे नाही, कारण की त्या मुलाचे वडील स्वतः बॉर्डरवर सैनिक म्हणून काम करत आहेत। आता ते सध्या घरी नाहीत, घरी फक्त मुलगा आणि ते मोठी बहीण व हे आई होती। आणि अशी दुःखद घटना झाली। परिसरातील लोक असं घडल्याबरोबर त्यांना दवाखान्यात घेऊन गेले। माझ्या ग्रामपंचायतच्या वतीने मी यांना श्रद्धांजली अर्पित ऐसे मुझे आवाज़ आई उसकी माँ की चिल्लाने की, मैं तुरंत नीचे उतरा और उतरने के बाद में निकले मालूम है कि हम लोग तुरंत यानी वो बच्चे को उठाए, उठा के निकले हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। मेरा रहना है हिलटॉप कॉलोनी चिंतामणि प्लाजा, मैं उनके फ्रंट वाले बिल्डिंग में रहता हूँ। हाँ, जैसा ही मुझे आवाज़ आई वैसे मैं भागते हुए सीधा उस बिल्डिंग में आया और देखा तो ये सिचुएशन देखने मिली। बच्चा 1 से 1.25 साल का हो सकता है और उसके पिताजी का नाम है सुरेश जी सलामे। इन BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।